सज्जनों, ये कैसेट अर्रामा कैसेट के सौजन्य से आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है परशुराम यादव और उनके साथियों की आवाज में। ये गीत मैं आपके सामने जो प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, इस गीत का शीर्षक है बागी बलिया के मन्नू पहलवान उर्फ बगावत सिंह। भूमिका है झुलसते चमन के सुमन रो रहे थे सलिल ही न सरिता न सदमा सिसकती, जवानी जवानों को धिक्कारती थी, गई आब अब याबरू है बिलखती, दशा दुर्दशा देख दिल था दहलता, तो शहीदों ने बांधा शहादत का सहराम, मन्नू महावीर माटी का मजनू, बगावत का बागी ने चंबल का चेहरा। एक लाइन यहाँ कवाली लगत बाम कौन वह बा कवाली के नमूना, अगर दिल दिल से टकराता रहेगा, अगर दिल दिल से टकराता रहेगा, अगर दिल दिल से टकराता रहेगा। इस तरह कवाली के नमूना, लेकिन गाने के अंदर भाव दिल की बात कहना बा कि वतन प्रेमी वतन का हो दीवाना, वतन प्रेमी वतन का हो दीवाना, चवासी खा जवानी को लुटाना, ये मन्नू पहलवान, मन्नू महावीर माटी का मजनू, बगावत का बागी ले चंबल का चेहरा। मन्नू पहलवान का परिचय है कि बलिया कबीर बागी पहलवान था मन्नू, जुल्मी के लिए जुल्म का चट्टान था मन्नू, दुखियों के लिए वक्त का भगवान था मन्नू, वतन के लिए आबरू वशान था मन्नू, अबला के लिए मानव सम्मान था मन्नू, अबला के लिए मानियो सम्मान था मन्नू, तो दुश्मन के लिए आधियो तूफान था मन्नू, ऐसी विशेषता थी मन्नू पहलवान की। लेकिन परिचय है बलिया जिला का रहने वाला वह पहलवान कहाँ का रहने वाला था बलिया जिला में जिया। कि गौवा सीताबन दियारा जिला बलिया में, माहिर मल्ल युद्ध के जूझा रहो दुलरुआ, जिंदगी की मीना बनी दुलही निया हो, नैहर जकर भभुआ बिहार हो दुलरुआ। मन्नू पहलवान की शादी बिहार में भभुआ में भइल हल। दुल्हन के नाम बाम मीना, लेकिन ये दोनों प्राणी के बीच में मन्नू और मीना के बीच में दुई संतान,
बेटवा सरोजा जेकर सरिता सलोनी सूता सुख से रहता परिवार हो दुलरुआ। अंग्रेजी जमाना रहल अपना देश में और वही समय अंग्रेजन का आतंक जोन बा दिन प्रतिदिन बढ़त जातवा। मनु पहलवान का दुई ठे रूप रहल, दुई ठे काम रहल। कवन कवन काम रहल कि अरे दिन मन अब दिन मन अखाड़ा सेवन अब रात क्रांतिकारी रूप नील चित्त पांडे जैसन यार हो दुलरुआ। का बेटा जिसका नाम सरोज और 6 साल की बिटिया जिसका नाम सरिता, बाप दो संतानें थी दोनों प्राणी के बीच में। लेकिन मन्नू पहलवान का काम था दिन में रियाज करना, कुश्ती लड़ना और रात को क्रांतिकारी शेरे बलिया चित्तू पांडे की क्रांति को सफल बनाने के लिए बगावत की ज्वाला भड़काना, यही मन्नू पहलवान का काम था। एक लाइन गीत लगत बा मास्टर, तनी सा बढ़ा। वह गीतवान कि अरे पिया अब पिया परदेश घर देवरा गंवार हो झूलनिया के मोल मांगी चुम्मा सोनार हो झूलनिया के मोल मांगी लेकिन जरा बलिया के विषय में जान लिया जाए। जब सारा देश गुलाम रहल वो समय बलिया सन 42 में 14 दिन तक आजाद रहल और बलिया के डीएम के कुर्सी पर क्रांतिकारी चित्तू पांडे का एक अधिकार रहल। ई बलिया का इतिहास देश में निराला है। यही बलिया के विषय में थोड़ा सा भाव दिल की बात कहना बा। अरे देत बा गवाही अब देत बा गवाही इतिहास लेके नाम फर बलिया के बाग में भैया देत बा गवाही इतिहास लेके नाम फर बलिया के बाग में बगावत के आम फर बलिया के बाग में बगावत के आम फर बलिया के बाग में बगावत के आम फर बलिया के बाग में। आया गाडबूश अंग्रेज अधिकारी हो पता लगवाया यहाँ कौन क्रांतिकारी हो अब योजना बनाया अरे योजना बनाया करूं क्रांति को नकाम फर बलिया के बाग में बागावत के आम फर बलिया के बाग में बागावत के आम फर बलिया के बाग में बागावत के आम फर बलिया के बाग में। बलिया में अंग्रेज अधिकारी हुड, हुड से पहले अंग्रेज अधिकारी था गार्डबुश। गार्डबुश जब आया बलिया में अपने गुप्तचरों को आदेश दे दिया पता लगाओ क्रांतिकारियों को पकड़ करके जो है उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए, ऐसा आदेश कर दिया। गुप्तचर पता लगावत हुवन, पता चलल कि मन्नू पहलवान का द्वि रूप बा, दिन में अखाड़ा पर रियाज कइल और रात में जोन बान तौन क्रांति गजवाला भड़कावल, यह मन्नू पहलवान का काम बा। सोच गई कि मन्नू पहलवान के गिरफ्तार कई जरूरी बा, यह नाते गार्डबुश अंग्रेज अधिकारी कैलस काम पहलवान मन्नू छिपकर, पहलवान मन्नू छिपकर क्रांति में हाथ बटाता है। डबल रूपधारी है वह कोई भेद जान ना पाता है। मल्ल युद्ध में लीन था मन्नू गार्डबुश तब आया है गिरफ्तार कर पहलवान को पटना में भेजवाया है। दूसरा दिन गार्डबुश अंग्रेज अधिकारी अपने साथ सिपाहियन के लेके चल पड़ल। पहलवान तो निश्चिंत अखाड़ा पर रियाज करत हुवन जाय के गिरफ्तार करा लेलस, पटना जेल में जोन बा भेजवा देलस। आये हर परिवार के सदस्यन के जोन बाटे परेशान करे लगल, मीना दुलहिन के दोनों लड़कियन के परेशान करे लगल। तभी आम
एक लाइन गीत बा। एक थे बहिन अपने भाई से परिचय देत रहल। अच्छा? कहत रहल कि भैया जहाँ पहले हमने के घर रहलू हमारे अब घर ना बा, अगर आवे के होई तो डेरा बदल गिल बा, जहाँ बतावत ही हमें तू आई है तो का बतौलस कि नदिया के तीर बा पलानी मोरे भैया, नदिया के तीर बा पलानी मोरे भैया, नदिया के तीर बा पलानी मोरे भैया, अरे टूटई जो पड़ी अब घन बसवरिया, कहना बा एक तरफ तो जेल में पहलवान हूँ, दूसरी ओर उनका परिवार सतावल जात बा गार्ड बूस अंग्रेज अधिकारी के द्वारा। यही पर कहना बा कि कर अत्याचार अत्याचार मोर मितवा, करे ना विचार परिवार के सतावला, मारल जल बड़ी कपिलार मोर मितवा, करे अत्याचार अत्याचार मोर मितवा, जब परिवार तबाह होवे लगल मीना परेशान होए के एक दिन आधी रात के निर्णय ले लेलस, अपने बेटवा के अपनी बिटिया के दोनों के साथ में लेके घर छोड़ देलस। आ घर छोड़ के कैलस काम कि चुपके से छोड़े गाँव धैले डहरिया, चुपके से छोड़े गाँव धैले डहरिया, चुपके से छोड़े गाँव धैले डहरिया, और छिपके रहत जा जलौन की शहरिया, छिपके रहत जा जलौन की शहरिया, छिपके रहत जा जलौन की शहरिया, करे गरम की मजबूरी में मकारी बेटा, अब सर तो पढ़ली उसी आर मोर मितवा, करे अत्याचार अत्याचार मोर मितवा, करे अत्याचार अत्याचार मोर मितवा, करे अत्याचार अत्याचार मोर मितवा। बेटा बेटी दोनों के साथ मिले के सरिता घर छोड़, ये मीना घर छोड़ देलस, सरोज सरिता दोनों साथे साथ माई के चल देलन हम। पहुंचल कहां सुरेमनपुर रेलवे स्टेशन पर, बनारस होते हुए जालौन पहुंच गई, वहीं छिपके अपने बेटा और बिटिया के लेके रहे लगल। गारा माटी दोनों माई बेटा मिलके करें, लेकिन सरिता के दोनों मतारी बेटा मिलके यहाँ पढ़ावत हुवन। धीरे धीरे जब क्रांति के आग पूरा देश में धधक गई तब भइल काम कि बजा बिगुल क्रांति का जब, बजा बिगुल क्रांति का जब 1942 आया है, भगा जेल से पहलवान घर पर परिवार न पाया है, पता लगाया गार्ड बूश का रहता है जालौन शहर, भड़क उठी क्रांति की ज्वाला लाल क्रोध में हुई नजर। 1942 का जब दंगा चारों तरफ देश में भड़कल है, वही समय आंख बचा के मन्नू पहलवान जेल से फरार हो गेलन है, पहुंचलन है सिताब दियारा में। आ सिताब दियारा में जब अलन है गांव के लोगन से पूछलन है, भैया हमारे घर के दुआरी पर ताला लटकल बा, हमारा औरत कहाँ गई? गांव के लोग बतौरन कि भैया तू तो गिरफ्तार हो गिला, लेकिन वो अंग्रेज अधिकारी गार्ड बुश इतना परेशान तुहरे परिवार के तुहरी पत्नी के कैलस कि तुहार पत्नी एक दिन आधी रात के गांव छोड़ के लड़कन के लेके धीरे से चुपके से चल गई, केहू जान ना पावल कहाँ गई। अच्छा भैया ठीक बा, परिवार का तो पता ना बा, लेकिन ये बतावा लोगन वो अंग्रेज अधिकारी जो गार्ड बुश रहल वो ये समय कहाँ बा जवन हमके जेल में बंद करवले रहल। लोग कहलन कि भैया वो तो यहाँ से अपन तबादला करा के आ चल गेलन जालौन। कहलन कि बस इतने हमारे खातिर के काफी बा, पता लाग गई ना। तो भैया जब पता लाग गई तो एक लाइन यहाँ गीत देवे के पड़ल, वह गीत बा
कि रोटिया पवत के जो बन खजवावे रोटिया पवन के जो बन खजवावे अरे पल अब बल से दलिया चलावे ले हमारे घर हो इनहर घर कजरा लगावे ले तरल गीत के नमूना लेकिन कहना बा किसी रवा कहे खियम बुरे रे लस्सी रवा मलुई बिलार मुलकावे ले काहे बकरी न हो काहे बकरी इरागरा मचावे ले साहब व्यंगात्मक लहजा बा यहाँ अंग्रेजवन पर कहना बा कि मैं ऊंचा न बनी है दुकान के बजा जवान बोल कोई लरिया के बोली नहीं का गवा तलगली दररन घरियार के मच्छरिया लगली दररन घरियार के मच्छरिया स्वय जलपति के जगावे ले काहे बकरी न हो काहे बकरी इरागरा मचावे ले बाबूजी चल दिया वही से मनु पहलवान जालौन के लिए प्रस्थान कर दिया मैं बदला लूंगा गार्ड बूस से इस तरह से प्रतिशोध चुकाऊंगा और लोग तो जान से मार डालते हैं दुश्मन को लेकिन ऐसे दुश्मन को मैं जान से नहीं मारूंगा क्या करूंगा ऐसी सजा दूंगा कि जब तक वह जीवित रहे तब तक मेरा नाम उसकी जुबान पर रहे और तब तक वो मेरी चर्चा लोगों को सुनाता रहे करता रहे मेरी चर्चा लोगों से बह भैया ई प्रतिज्ञा कहके अचल दलन है भाव बटेरी में रे दिखाई बे कैसन बागी बनिया तो करके अंग भंग करके अंग भंग लंदन में आज पठाई बे दिखाई बे कैसन बागी पहुंच गया जालौन शहर पहुंच गया जालौन शहर बलिया का शेर गुर्राया है गार्ड बूस के क्वार्टर का घूम घूम का पता लगाया है तोड़ के जंगला अंदर पहुंचा तोड़ के जंगला अंदर पहुंचा आंखों में सुजा चुभाया है खोल के फाटक बाहर आया अपना पता बताया है जालौन में पहुंचलन है पता लगावे लगलन धीरे धीरे सोचलन कोने उपाय से बदला ले एक दिन आधी रात के मकान के पिछवाड़ा से बंगला के पिछवाड़ा से जंगला के रास्ता से घर के अंदर प्रवेश कैलन हम निश्चिंत गार्ड बुस सुतलबा सोचलन की सुतले में मार दई ठीक नहीं खे फिर सोचलन की ठीक काम नहीं खे अरे दुश्मन पर जब वार करे के बाद तनी सामने सामने वार होला तो ठीक रहला और का जगवलन कल उठो जी बैठ गेलन गार्ड बुस कहे मुझे नहीं पहचानते हो ना मैं मन्नू पहलवान हूँ जिसको तुम गिरफ्तार कराकर पटना जेल में बंदी बनवाया था तुरंत सूजा निकलन दोनों खिया में भूख देहलन दोनों खिया फूट गई गार्ड बूस का एकरे बाद दरवाजा खोल के अलन बहरे कहलन बदला ले लिया बलिया का बागी क्रांतिकारी मन्नू पहलवान अपने दुश्मन गार्ड बूस से बदला ले लिया वही से फरार भैलन है आज जब फरार भैलन है मनु पहलवान तो कैलन है का वह गीतिया बा किन्नी बिया की डाड़ी मैयम लागली झुलवा हो के झूली रे झूली ना लेकिन मनु पहलवान जब भगलन है तब भइल हो काम कि बदला चुकवल धैले अब चंबल की डहरिया हो बागी बलिया वाला ना अरे बागी बलिया
तेरे मान सिंह कगरिया बाकी बलिया वाला सिंह डाकू, जो अंग्रेजी जमाने में उन्हें डाकू कहा गया था, लेकिन वास्तव में मान सिंह डाकू थे नहीं। उनका कुछ लक्ष्य था, उद्देश्य था, अमीरों का धन लूटना, ऐसे लोगों का धन लूटना जो गरीबों का शोषण किया करते थे, दबाया करते थे, सताया करते थे, ऐसे लोगों का धन लूट करके गरीबों में बांट देना, यह उद्देश्य था, मान सिंह का था। बाबूजी मान सिंह के पास पहुंच गए हैं चंबल घाटी में, सारी बात बतौलन है। मान सिंह जब बात सुनल है तो कैले है काम कि धीरजा बधवन दियल राइफल तमने घर यहाँ बाकी बलिया वाला ना, अरे बाकी बलिया वाला ना, सिर पर बांधे पाग के सरिया बाकी बलिया वाला ना। अपने दल में मान सिंह शामिल कर लेलन है। नाम पड़ गई बदल के मन्नू पहलवान से बगावत सिंह। बगावत सिंह के नाम से मशहूर हो गेलन। धीरे धीरे समय गुजरे लागल सन 1947 का समय। आ जब 1947 का समय आई तब भइल काम कि सन 1947 में भारत जब आजाद हुआ, एसपी भय शिशुपाल सिंह जालौन शहर आबाद हुआ। ओहर ऐलान हो गई मन्नू पहलवान पर, इनाम नौकरी और 20,000 रुपया नगद पुरस्कार। बाबूजी इनाम तो बटले बा, लेकिन मन्नू पहलवान के सब खोजा था। मन्नू पहलवानों ने बगावत सिंह बन के अपन तूफान मचौले बड़न। जब देश आजाद भइल तो जालौन में शिशुपाल सिंह एसपी भइलन। एक दिन शिशुपाल सिंह एसपी गाड़ी पर बैठ के आ शहर घूमे बदे गइलन है। अचानक नजर पड़ गई एक नौजवती लड़की पर। उ लड़की केहू और ना रहल, उ है मन्नू पहलवान का बिटिया जौने का नाम सरिता रहल। सरिता का पता लगावत एसपी साहब पहुंचलन है वो बुढ़िया माई के झोपड़ी पर। जाके कहलन है कि हम तुहरी लड़की से शादी कर चाहते हैं। बेचारी बूढ़ी मतारी गरीबी में कैसो अपने बेटा बिटिया के पालन पोषण के लिए रहल। कहलस के बाबू ई कैसे संभव बा, शादी कैसे हो पाई ना हो पाई। कहलन कि चाहे कुछ भी हो शादी होई, लगन भी पड़ गई, बड़ा खुशी बा। लगन कहिया पड़ल कि 1951 में 15 फरवरी के शादी वाला पड़ी गई ले दिनवा ये बाबूजी। लगी है बारात धर्मशाला में पड़ावा पड़ी, छपल ये खबर में बयानवा ये बाबूजी। बोला है बगावत घेरा डाल वही रतिया में, एसपी के कर बहारनवा ये बाबूजी। भेसवा बदल बागी चलन बराती बनी, छिपे धर्मशाला दरम्यनवा ये बाबूजी। फरवरी 1951 के शादी का दिन निश्चित बा। ई ऐलान भइल बा अखबार के माध्यम से कि एसपी साहब एक गरीब के लड़की का उद्धार कर जात हुन शादी कह के, और धर्मशाला में विधिवत शादी हुई। जब ई चंबल घाटी में खबर पहुंचल और मान सिंह के दल में पहुंचल, बगावत सिंह एकदम बगावत पर उतारू हो गेलन। सरदार तहदीन हम अपने सहयोगी साथियन के लेके जाके छापा मारब और एसपी का अपहरण कह के ओके सजा दिल जायी। मालूम पड़त बा कि कोनो गरीब के लड़की के साथ जबरी शादी कर रहल बा धमका उमका के। नहीं तो भला इतना पढ़ल लिखल एसपी आठे गरीब जौन झोपड़ी में अपन लड़का लड़की लेके रहे ले, वो गरीब के लड़की से शादी करी, ऐसन संभावना बा। आदेश हो गई मान सिंह का, ई बारात के दिने जौन बा पूरा पार्टी लेके जाके धर्मशाला में बाराती के रूप में छिपके बगावत सिंह
और इंतजार कर तू समय का, लेकिन अल्लाह के भाव भैया कि अरे मनवामन मनवामन घूमे दुल्हा दुल्हन भंवरिया भैया, जो ही शादी का रस्म करीब करीब पूरा हो गई, अब भावर घूमे के बा दुल्हा दुल्हन भावर घूमल चाहतुन मड़वा में, तब तक से बगावत सिंह आवाज दलन रुक जाओ, जो जहाँ पर है वहीं पर चुपचाप खड़ा हो जाए, जितने एसपी के सहयोगी हैं सिपाही गण हैं हथियार नीचे रख दें, वरना एसपी को भून दिया जाएगा, सबके हथियार धा दे गिरफ्त, ये अपहरण कर लेलन अपने कब्जे में लेलन। एक बाद कहलन कि मनु पहलवान उर्फ बगावत सिंह लेके अब चलन एसपी के, एसपी जबरी जन बा एक ठे गरीब के लड़की से शादी कर रहल बा, इच्छा ना रहते हुए भी ई जबरी दबाव दे के शादी कर रहल बा, ते इनके सजा उचित मिली। जो ही इतना कहलन है तौले भइल हौका भैया अल्लाह बदल के कि अरे एसपी को पकड़ मचला भैया, सुन के चूं की गई मीना के जियरवा के बाप आज बिटिया के कर ला उजारा, अरे बाप आज बिटिया के कर ला उजारा, अरे दौड़ी के पकड़ी बगावत की चरनिया, अब देखता कूदल कर मन में विचार हो, बोला है बगावत या सुने नवा से धार, जो ही परिचय दिया बगावत सिंह मनूर बगावत सिंह, दौड़ करके पत्नी पैर पकड़ लेती है, पतिदेव मुझे पहचानते हैं, मैं वही आपकी पत्नी मीना हूँ, ये सरिता आपकी बिटिया है, सभी लोग आवाक, सबकी आंखें बरबस छलक आई, हाथ ढीले पड़ गए बगावत सिंह के, हथियार धरती पर जा गिरा। इसके बाद अब क्या करे, धर्म संकट में है, एक तरफ बेटी है, इसको भी देखना जरूरी है, बगावत सिंह दोनों कलाई एसपी साहब के आगे कर दिया, कहने लगा क्या कहा कि अरे नरक कुंडवा श्याम के, नरक कुंडवा श्याम के बचावा बबुआ, तमांग बिटिया के सेनुरा सजावा बबुआ, कारण बनली हम डाकू बेई मनवा, वही हाथ देबे हम बेटी के कन्या दनवा, तहां के हाथ करिया पहनावा बबुआ, मांग बिटिया के सेनुरा सजावा बिटिया, सजावा बबुआ, सजावा बबुआ, सजावा, मांग बिटिया के सेनुरा सजावा, मांग बिटिया के सेनुरा सजावा बबुआ। संत सदगुरु स्वामी कहते भारत देश महान, जखान के तू लौटन राधे लालता करे गुणगान हो, दिखैबे तैसन बागी बलिया, परसु देवनाथ मैरी के जोरी अजमई बे, दिखैबे कैसन बागी बलिया,